आज हम मैटर पर चर्चा करेंगे। मैटर या पदार्थ, हर एक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अलग अलग और इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी होते हैं। प्रत्येक पदार्थ रासायनिक संयोग में भाग लेकर अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। आज हम दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या पदार्थ के अविनाशिता का नियम को जानेंगे कि पदार्थ इस नियम के अनुसार दोस्तों पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं पदार्थ के अविनाशिता का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को। इसको 1744 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ ने लागू किया था। इस नियम के अनुसार दोस्तों लेवोजियर ने बताया दोस्तों कि किसी भी अभिकारक में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दोनों अभिकारक की स्थिति व द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले रासायनिक अभिकारकों में द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले दोनों में काफ़ी द्रव्यमान में समानता पाई जाती है। इसमें थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती लिया हुआ है। जलता हुआ मोमबत्ती यह प्रदर्शित करता है, यह एक प्रकार का भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। जलता हुआ मोमबत्ती में ऐसा प्रतीत होता है कि पदार्थ का विनाश हो रहा है या पदार्थ जो मोम कहलाता है वह विनाश हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। जबकि दोस्तों यह हमारे दृष्टि के अनुसार, भौतिक दृष्टि के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि ऐसा पदार्थ का विनाश बिल्कुल भी नहीं होता। यह केवल धुएं के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम दोस्तों एक और नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चपटे पेंदे वाला फ्लास्क लिया है जिसका मुंह ढक्कन से ढक दिया है और इसमें थोड़ी सी रेत बिछा दिए हैं और इसके ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रख दिया है। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। इसका द्रव्यमान 500 ग्राम के बराबर है। अब इसे स्टैंड में पुनः जलाने के लिए रख देते हैं। जलने के बाद फ्लास्क में उपस्थित फास्फोरस का टुकड़ा फ्लास्क में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है जो धुएं के रूप में रहता है। अब हम इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं जो लगभग पहले द्रव्यमान के बराबर है, 500 ग्राम। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ नष्ट नहीं होता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन पदार्थ नष्ट नहीं होता ना ही उत्पन्न होता है। इससे दोस्तों पदार्थ के अविनाशिता का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम प्रमाणित होता है। तो दोस्तों नॉलेज वाला यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वहीं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों बेस्ट नॉलेजेबल और ACMS वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।